आज की अति महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस के बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्र मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विजय गोयल साहब है और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामदेव सिंह विदुड़ी जी, मेरे साथी प्रवक्ता अजय सरावत जी है। निरंतर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार तेजी बढ़ रहा है, घंटे और मिनट में बढ़ रहा है, आज उसी के श्रेणी में भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कुछ लोग और सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो कटका पहना के आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी, नेता प्रतिपक्ष, हमारे परिवार में जो लोग आज सम्मिलित हो रहे हैं उनको कर रहे हैं। पहला नाम है जी पवन शर्मा जी, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है। दूसरा हमारे दीपक सिद्धू जी को आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी पटका पहना के परिवार में शामिल करें। आ जाओ इधर भी आ जाओ, चलो हमारे वरिष्ठ नेता विजय गोयल जी पटका पहना के हमारे अतिथि को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे। श्री पवन शर्मा जी, श्री दीपक सिद्धू जी को भी पटका पहना के शामिल कर रहे हैं। सर थोड़ा थोड़ा गैप ले लो, गैप ले लो। आज सवेरे भी आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक प्रतिनिधि और संगठन मंत्री थे, उन्होंने सवेरे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। पत्रकार हमसे पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि एमसीडी के अंदर चुनाव हुई जीतेगी। मेरा कहना है कोई ऐसा राज्य बता दीजिए जिसमें आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने गई हो और उसने चुनावों से बहुत साल पहले, बहुत महीने पहले वो घोषणा लगा दी हो कि 60% से ज़्यादा की पसंद आम आदमी पार्टी। और कोई ऐसा राज्य दिखा दीजिए जहां उन्होंने ये नहीं कहा हो कि हम सत्ता के अंदर आएंगे। वाराणसी के अंदर प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ने से लेकर आज तक जितने भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़े, ये उनका मुहावरा है कि हम जीतेंगे, किंतु जीतने की जगह चाहे वो गोवा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो या और दूसरे राज्य हों, हरियाणा से लेकर, सबके अंदर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। लोग इनका चेहरा पहचान रहे हैं और लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ भी इसलिए रहे हैं उनके लोग कि जिस उद्देश्य के लिए आई थी आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे के साथ धरने पर बैठकर कि वो लोकपाल लाएंगे, या उनका उद्देश्य था कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त अगर कोई पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी और उसके नेता हैं। इसीलिए लोगों का भंग हो रहा है। कितने ही आम आदमी पार्टी के लोग अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, रुके हुए हैं। रुके इसलिए हुए हैं कि वो कहते हैं टिकटों के लिए हमसे पेशगियां ले ली गई, एक बार हम पेशगी अपनी वापस लेने की कोशिश कर ले, उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर आएंगे। लोगों में इस बात का अफसोस है कि वो कब आम आदमी पार्टी में और क्यों कर गए थे, क्योंकि उनको लगता था कि शायद ये अलग तरह की राजनीति करेंगे, पर मैं समझता हूं कि राजनीतिक पार्टी के अंदर आम आदमी पार्टी की जितनी बुराइयां और भ्रष्टाचार हुआ है उसी का मत है कि आज भी आम आदमी पार्टी के श्री पवन शर्मा जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं शाहदरा से, वार्ड 215 से, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, विचारों से, काम से, विकास से और मोदी जी के जो व्यक्तित्व है और मोदी जी जो पूरे देश में विकास कर रहे हैं उससे प्रभावित होकर पवन शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल होंगे। दूसरे दीपक सिद्धू हैं जो महामंत्री संगठन हैं, वार्ड नंबर 215 के ही, शाहदरा से,
और ये भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और इनके जो समर्थक हैं उनको बुलाने की हमने यहाँ उचित नहीं समझी। मैं समझता हूँ बड़ी संख्या के अंदर आम आदमी पार्टी के लोग छोड़ेंगे और इतने लोग छोड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चौथी बार दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर सरकार बनाएगी। पिछली बार भी ये लोग कहते थे एंटी इनकम्बेंसी लगी हुई है, बीजेपी किसी हालत में भी एमसीडी में सरकार नहीं बना पाएगी और उससे पिछली बार भी कहते थे, पर जैसा आपने तीन बार देखा है ऐसे चौथी बार भी और बीजेपी अपने कामों के ऊपर ही सबसे बड़ी बात है जा रही है। जो लोग कूड़े के पहाड़ की बात करते हैं, केजरीवाल का बस चले तो कूड़े के पहाड़ के ऊपर डंडा लेके खड़ा हो जाए कि मैं इसको कम नहीं होने दूंगा, कम नहीं होने दूंगा, जबकि कूड़े का पहाड़ हो, यमुना हो या प्रदूषण हो, हर चीज की जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री की है, मैं ये समझता हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। उधर विधानसभा में 2022 का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जो संकल्प पत्र में दिए हुए वादे 78% पूरे कर दिए हैं और जो बाकी है ओपन टाइम है वो भी पूरे हो जाएंगे। जो वादे नहीं किए गए वे भी जो लोगों की अपेक्षा थी और समयबद्ध समय में जो अलग अलग अपेक्षा हमारे पास रजू हुई उसको पूर्ण करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रयत्न किए हैं और परिणाम भी दिया हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का 20 साल का शासनकाल उदार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के समय में उन्होंने जिस तरह से लोगों में अपेक्षा उठाई है और लोगों की अपेक्षा पूर्ण करने के लिए संकल्पबद्ध होकर जो काम किया है उसकी वजह से भी लोग खुश हैं और उसी के कारण 27 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में शासन में है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता हासिल करने के लिए इलेक्शन लड़ता है मगर सत्ता प्राप्त करके सत्ता के माध्यम से सेवा करता है, ये उसने साबित किया है। इसी के वजह से एंटी इनकम्बेंसी उसको कभी लगी नहीं है, उसको कभी उसका प्रॉब्लम आया हुआ नहीं है। आज भी 2022 का संकल्प पत्र के पहले हम लोगों के पास जाएंगे, अलग अलग विधानसभा में ये बॉक्स भेजेंगे, उसके अंदर लोगों के सुझाव लेंगे, लोगों की जो अपेक्षा होगी उस तरह का गुजरात बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध है। तो उसीलिए उनकी इच्छा जानने के लिए, उनकी अपेक्षा जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये प्रयोग कर रही है। जो वादा कर निभाता है तो वही ये काम कर सकता है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो लोगों से पहले अपनी अपेक्षा मानती है और उसको पूर्ण करने के लिए ताकत लगाती है। हम उनके वादे पूरे करेंगे, हम उनके संकल्प उनकी जो इच्छा है अपेक्षा है पूर्ण करेंगे, ये हमारा वादा है। वो संकल्प पत्र में हम जरूर उसका उल्लेख करेंगे। मीडिया ना सब मित्रों ने विनती से कि एलईडी बाजू में आप सब भी पोता नहीं आशा अने आकांक्षाओं अंदर पोस्टर में अंदर लखी ना हमने आपो ये भी मारी आप सब भी विनती से धन्यवाद जी। जय नारायण भाई व्यास छेल्ला 20 वर्षथी भारतीय जनता पार्टी साथे हता, सतत પાર્ટીએ અમે 2 વાર છેલ્લા હાર્યા તો પણ સતત ટિકિટ આપી હતી, કેબિનેટ મિનિસ્ટર સુધી એમની સેવા એમણે આપી છે, ખૂબ જ પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિત્વ છે, પણ 75 વર્ષની ઉંમર પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ટિકિટની કદાચ અપેક્ષા નહીં હોય, તે પાર્ટીનો એક નિયમ છે, એના કારણે અથવા અન્ય માટે પોતાના કારણો સાથે એમણે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આભાર માનીને એમણે પોતાનું રાજીનામું મોકલ્યું છે જે પાર્ટી સ્વીકારે છે। હિમાંશુ વ્યાસ માટે મને જાણતા નથી, અમારા મહામંત્રી કદાચ જાણતા હશે, કોઈને એમને પણ ખબર નથી, એટલે આવી કોઈ વાત અમારા જન્મ જાહેર કરવામાં આવશે।
રજૂઆત કરી કે અમે મારી રજૂઆત ગંભીરતાથી પણ લીધી છે, પરંતુ વારંવાર ફરિયાદ કરવી એ મારી ફિતરતમાં નથી, એટલે અંતે મેં સ્થાનિક નેતાઓની ભજવણીથી કંટાળીને રાજીનામું. જો અમે વારંવાર મળ્યા છીએ, અમારા મિત્ર પણ છે, એમની વાત અમે ગંભીરતાથી લીધી છે, અમે પોતે પણ સ્વીકારેલ છે, અને એમણે માંગેલા જે એમના લોકલ એમાં સ્થાનિક રાજકારણની અંદર પાટણની અંદર છેલ્લા બે વખત ઇલેક્શન હારવા છતાં એમણે જે લોકોને હોદ્દા માટેની આગ્રહ કર્યો હતો, જવાબદારીમાં મૂકવા માટે, એ અમે મૂક્યા પણ છે, એટલે એમને ફરિયાદ કરવાનું કોઈ કારણ અમે આપ્યું નથી. અપમાનિત હોને કી બાત નહીં કહી હૈ, 35 સાલ મેં પાર્ટીને ઉન્હે કેબિનેટ મિનિસ્ટર તક પહોંચાયા હૈ, 10 સાલ મેં દો બાર ઇલેક્શન હારને કે બાદ ભી પાર્ટીને ઉનકો ટિકિટ દી હૈ और अलग अलग जवाबदारी में देते हुए उनकी सेवा भी ली है. हम भी उनके काम से संतुष्ट हैं और वो भी पार्टी से संतुष्ट हैं. उन्होंने संतुष्ट करके साथ अपने पत्र में आभार के साथ उन्होंने रिजाइन पत्र भेजा है. कोई भी नाराजगी उन्होंने या अपमानित होने के बाद उसमें नहीं लिखी है और उसका कोई कारण भी नहीं है. मेरे पास पत्र है, आपको चाहिए हम आपको दे देंगे. ભારતીય જનતા પાર્ટી કોઈ પણ નેતાના સગાને ટિકિટ નથી આપવાની. મનસુખભાઈ વસાવા અમારા ભાજપના ખૂબ સિનિયર ધારાસભ્ય સાંસદ છે, પૂર્વ મંત્રી પણ છે, એમને પણ નીકળીએ ટિકિટ માંગી હતી, એને પણ નકારવામાં આવી છે. આદરણીય શ્રી ભરતભાઈ ડાભી અમારા સિનિયર પૂર્વ મંત્રી અને સાંસદ છે, એમને પણ એના ભાઈ માટે ટિકિટ માંગી હતી, એને પણ ના પાડવામાં આવી છે. હવે અન્ય પણ કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ સરકારને ટિકિટ નહીં આપવા માટે જેને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કર્યો છે. એ લોકો વર્ષોથી પોતાના અલગ અલગ સ્ટેટસ સાથે અલગ અલગ વિધાનસભામાં એ લોકો રહે છે અને એ લોકોને આજના નથી પહેલાથી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતશે એવો અમને વિશ્વાસ છે. તો આ જીત મેળવતા પહેલા લોકોની અપેક્ષાઓ જાણવી, એ અપેક્ષાઓને પૂર્ણ કરવા માટે વચનો સંકલ્પ પત્રમાં એનો ઉલ્લેખ કરવો, એ માટેનું એક આયોજન ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી કરવામાં આવ્યું છે. આપની સામે જે બોક્સ મૂકવામાં આવે છે, આ બોક્સ અલગ અલગ જગ્યાએ દરેક વિધાનસભામાં મોકલવામાં આવશે અને ત્યાં એમાંથી લોકોના સૂચનો મેળવીને એમાં સંકલન કરીને ત્યાર પછી સંકલ્પ પત્ર અમે તૈયાર કરીશું. મને વિશ્વાસ છે કે ગુજરાતે છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર પણ અને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબના 20 વર્ષના શાસનની અંદર અનેક સંકલ્પો પૂર્ણ કર્યા છે, અનેક મુકામો હાંસલ કર્યા છે, અનેક અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં પહેલા નંબર પર ગુજરાત છે અને ગુજરાત જે પહેલા નંબર પર રહેવા માટે ટેવાયું છે. ગુજરાતના લોકોની અપેક્ષા હોય છે, એ અપેક્ષા પૂર્ણ કરવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ કમર કસીને એના માટે કામ કરે છે. અમે આવનારા 5 વર્ષની અંદર પણ સંકલ્પ પત્રને પૂર્ણ કરવા માટે પ્રામાણિકપણે પ્રયત્ન કરીને એને પૂર્ણ કરીશું એવો વિશ્વાસ આપના માધ્યમથી અમે અપાવીએ છીએ. સૌ ગુજરાતના ભાઈ બહેનોને વિનંતી કરીએ છીએ કે તમારા મનમાં ગુજરાત કેવો હોવું જોઈએ એની કલ્પના હશે, એ કલ્પના તમે કાગળ પર ઉતારીને અમને મોકલજો. અમે ચોક્કસ તમારા સપનાનો ગુજરાત, તમારી અપેક્ષાનો ગુજરાત એ કરવા માટે અમે સંકલ્પબદ્ધ છીએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. દરેક તાલુકા, દરેક મંડળ, દરેક જાહેર સ્થળો અને દરેક ગ્રામ પંચાયતો ઉપર આ સૂચન પેટી મૂકવામાં આવશે અને આ પોસ્ટકાર્ડના માધ્યમથી
जैसे ही गुजरात में चुनावी बिगुल बज चुका है उसके बाद सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी गुजरात यूनिट की तरफ से जो अपना संकल्प पत्र है उसको जारी करने से पहले प्रदेश की जो जनता है, जन जनार्दन है, उनसे सुझाव मांगे गए हैं। और सुझाव मांगने के लिए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की अध्यक्षता में जो है लोगों से सुझाव के लिए इस तरह के पोस्ट कार्ड जो है वो जारी किए गए हैं, जो कि सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय श्री कमलम में आएंगे। और इसमें लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को अपने संकल्प पत्र में रखना चाहिए, अपने मैनिफेस्टो में रखना चाहिए, उसके लिए गुजरात की जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। और अलग अलग पेटियाँ भी यहाँ पर रखी गई हैं, आप कैमरा में विजुअल्स देख सकते हैं। इन पेटियों के माध्यम से भी गुजरात की जनता जो है उनके क्या क्या मुद्दे हैं वो अपने इस पोस्ट कार्ड में जो है वो बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसको ऑनलाइन का माध्यम भी दिया गया है। अग्रसर गुजरात करके कैंपेन शुरू किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जहां पर ऑनलाइन भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं कि अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी को इस बार 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे रखने चाहिए।